पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद महानगर के थाना मुगलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत मंडीवास स्थित महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में दो छात्रों के बीच एक किताब को लेकर कुछ तीखी नोकझोंक हो गई थी, जिसको नूरे आलम नाम के छात्र ने संजीदगी से लेकर 3 मंजिल से छलांग लगा दी। इतनी देर में कोई नीचे उसे बचाने के लिए ऊपर जाता तो उसने देखते ही देखते छलांग मार दी। नूरे आलम निवासी बरबलान कक्षा 10 का छात्र था। प्रधानाचार्य रश्मि ठाकुर का कहना है कि जिस समय नूरे आलम जाल से नीचे की ओर लटका हुआ था, उस समय मैं नीचे से रोकने का प्रयास लगातार कर रही थी, पर छात्र ने अपने प्रधानाचार्य की एक न सुनी और देखते ही देखते नीचे प्रधानाचार्य के आगे आ गिरा। तभी पूरे स्कूल में एक कोहराम सा मच गया। तुरंत ही प्रधानाचार्य ने नूरे आलम को उपचार के लिए दिल्ली रोड स्थित साई हॉस्पिटल में भर्ती कराया। नूरे आलम के परिजनों के साथ प्रधानाचार्य का भी रो रो का बुरा हाल हुआ। प्रधानाचार्य रश्मि ठाकुर का कहना है कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाला हर एक बच्चा मेरा अपना बच्चा है। जैसे ही नूरे आलम नीचे गिरा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा बेटा गिर गया। मौके पर पहुंचे फैजगंज चौकी प्रभारी अश्वनी शर्मा के ने मामले को संज्ञान में लेते हुए छलांग लगाने की असल वजह की जांच शुरू कर दी। आज सीओ बलराम और पुलिस फोर्स के साथ छात्र के घर पहुंचे और परिजनों से बात की। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आती है तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं बरवलान कुमार साहब की गली का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा नूरे आलम 10 क्लास में पढ़ रहा था महाराजा अग्रसेन में। उन्होंने मेरे बच्चे को टॉर्चर किया और मेरे बच्चे को जो है उन्होंने मारा है। ये बात मुझे मिली है सुनने में। आगे एक बच्चे ने भी बताया था कि वो जो है आपस में क्लास के बच्चे बात कर रहे थे कि उसने जो है टीचर ने उसे जो है क्या नाम है ये कहा कि तू चोर है और सबसे कहलवाया चोर है। उसने ये भी कहा कि तू चोर की औलाद है। मैं होता तो अब लोग छत पे से कूद के मर गया होता। ये उसने टीचर ने कहा उसके उससे और वो अरुण नाम है टीचर का। अमित पुलिस जो है कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसमें जो है जुटे हुए हैं और हम पूरी कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है अब साहब? ये तो अभी कुछ करेंगे तभी मुझे कुछ पता चलेगा। पूरा मामला ये है कि बच्चे ने 26 तारीख को जो है एक बच्चा गिर गया था, कॉलेज पढ़ाई कर रहा था वहाँ से, तो उसी के संबंध में जो है अभी आज मैं कॉलेज में भी गए थे लेकिन बच्चे नहीं थे वहाँ, तो पूरी घटनास्थल के बारे में जानकारी किया, देखा हूँ, भौतिक रूप से निरीक्षण किए और उसी संबंध में कुछ अध्यापक उनके जो प्रबंधक हैं उनसे भी बातचीत किए थे और उनके परिवार से जो पिताजी हैं उनके उनसे भी बातचीत किए और उसकी गहनता से जाँच किया जाएगा, जो तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मुकदमा अब जो दोषी पाया जाएगा, जिसमें दोषी पाया जाएगा प्रबंधन में या कहीं से भी जो पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उस समय तो हम बाहर थे लेकिन जो उसी संबंध में सब जांच चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, जो सामने आएगा कार्रवाई किया जाएगा। जाँच में जो आएगा बिल्कुल गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी उसमें। अच्छा, वो बच्चों से हमारी बात नहीं हो पाई। बच्चों आज स्कूल में गया था तो बच्चे तो आज बंद था स्कूल, शोक दिवस की वजह से उन्होंने बंद कर रखा था, तो बच्चे जब आएंगे तो और जानकारी मिलेगी, बच्चों से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। पहले तो हमारी तो अभी है 1 महीना हुआ, इससे पहले कोई शिकायत आई नहीं उसके कॉलेज की। ये पहली हमारे समय में तो पहले सामने शिकायत आई है।